गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, एलेंस की नोट के इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्नेस कैस्टस के बारे में। दोस्तों, एग्नेस कैस्टस एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है वीकनेस के लिए। किस प्रकार की वीकनेस के लिए? बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने के कारण, सेमिनल लॉस हो जाने के कारण अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, यहाँ तक कि जो पेशेंट है अपनी एज से अधिक एज का दिखने लगता है, तो एग्नेस कैस्टस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके साथ ही अगर पूरे तरीके से जो सेक्सुअल पावर है वो लॉस हो चुकी है, उसमें भी एग्नेस कैस्टस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा जो गोनोरिया की समस्या होती है, सेक्सुअल डिसीज है, इम्प्योर सेक्सुअल इंटरकर्स से होने वाली डिसीज है, इसमें हमारे पैनिस में जो है खुजली होती है, उसमें दाने निकल आते हैं जिससे पस निकलता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके कारण भी अगर सेक्सुअल वीकनेस होना, इम्पोटेंस हो जाना और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एग्नेस कैस्टस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एग्नेस कैस्टस को हम लोअर पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। अगर कोई समस्या तो 6 हो गई 30 पोटेंसी, इससे जो है ये मेडिसिन लेना शुरू करना चाहिए। और ग्लोब्यूल फॉर्म में 6-6 गोली दिन में 3 बार लेना चाहिए। लगभग 15 दिन ये दवाई यूज़ करने पे हमें बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर एग्नेस कैस्टस से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो है कैलेडियम और सेलेनियम ऐसी मेडिसिन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने एग्नेस कैस्टस के बारे में डिस्कस किया। मैं आपके लिए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको इस प्रकार की जानकारियाँ देता रहूँगा जो आपकी प्रैक्टिस में भी बहुत उपयोगी होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।